महारानी कैथरीन रूस की सबसे अधिक प्रसिद्ध तथा सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली रानी थी। उसका शासनकाल रूस का स्वर्ण युग कहलाता है। कैथरीन द्वितीय का जन्म प्रुसिया में हुआ था। कैथरीन फ्रेंच विश्वकोश के निर्माताओं, विशेषकर वोल्टेयर और डिडेरो की शिष्या थी और रूसी जीवन में सुधार करना चाहती थी। कृषि दासता को उसने कम करना चाहा, परंतु अपने शासनकाल में सफल ना हो सकी। रूसी साम्राज्य के विस्तार की उसकी विदेश नीति अत्यंत सफल रही। उसके शासनकाल में रूस को नवजीवन मिला तथा रूस भी यूरोप की एक महाशक्ति के रूप में जाना जाने लगा।